झाझा में 63 डी के जवान HK रविगढ़ की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान वो अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें रेफरल अस्पताल में लाया गया जहां उनकी मौत हो गई। इलेक्शन ड्यूटी में आए हुए हैं आवासान चाय में, हाई स्कूल चाय में प्लस टू जा रहा है, उसमें वो जगह मेरे यहाँ आया है, यहाँ है एक बजला तरफ है, तो उनका ड्यूटी है हो गया होगा या पहले से कुछ रहा होगा, ऑन ड्यूटी वहाँ से सूचना दिया गया जो कि ऐसा ऐसा हो गया, मान कुछ धमके लेकर आइए, हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, सब डॉक्यूमेंट हैं, CO साहब भी हैं, BDO साहब भी हैं, हम लोग का खाना पीना साहब भी हैं, सबको इंतजाम किए, ड्यूटी लिए सब इंजेक्टर से बहुत सारा उपकरण लगा कर रखे। राज्य के कृषि पशु और मत्स्य संसाधन विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान देश के राजनीति का नब्ज पकड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। वे भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में एक थे। गरीब व दलित वर्ग को लेकर आवाज़ उठाने वाले नेता को देश ने खो दिया। उनके निधन की सूचना से मुझे बेहद दुख हुआ है। रामविलास पासवान के निधन से हम काफ़ी दुखी हैं। रामविलास पासवान जी का देश के विकास से बड़ा योगदान था और बिहार के विकास में जब जब केंद्र में मंत्री बनने का उन्हें मौका मिला, उस मंत्रालय को बेहतर तरीके से उन्होंने सेवा देने का काम किया। उनके निधन से इस देश को अपूर्णीय क्षति हुई है और आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय थे जाकर के, और जमीन से जुड़े नेता थे और लंबे समय से काफ़ी बीमार चल रहे थे। आज हम सबको जानकारी मिली है, हम तो काफ़ी दुखी हैं, पूरा देश और राज्य मरमाहत उनके निधन से है। उनके आत्मा का शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। जहानाबाद में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष इंदु कश्यप ने जहानाबाद विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। उन्होंने कहा कि देश के ऊर्जावान PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, इसे सभी जनता भली भांति जानती है, मैं उन्हीं की सिपाही हूँ। सबसे पहले मैं जहानाबाद के जनता को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बुलाए कि जहानाबाद की सेवा करने के लिए। एक महिला जो कि हमेशा सबके घर में जा जा करके उनके सुख दुख में साथ रहती है, और उनके आग्रह पर मैं आई हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों को लेकर के उनके द्वारा किए गए काम, जो विकास हो रहा है देश में, वो लेकर के हम क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों के बीच में। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय सब लोग पार्टी के प्रत्याशी मृत्युंजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर भाजपा और लोजपा पर गहरी साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारी लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं। मृत्युंजय कुमार ने कहा कि मुझे जहानाबाद की जनता विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जनता को निर्णय लेना है कि कौन से कैंडिडेट अच्छा है, इनका व्यक्तित्व अच्छा है, कौन अवसरवादी नहीं है, कौन नौजवान है, कौन जनता के बारे में सोच रहा है, ये सब तो जनता को सोचना है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा मेरा ही था कि भाजपा का लोजपा करण क्यों, आखिर इतना घबराहट क्यों आ गया। कल सुबह तक जब हम नामांकन करने गए हैं, उस समय तक भाजपा का झंडा ले लो घूम रहे थे, कौन सी ऐसी परिस्थिति आई। तो इसमें सीधा सीधा लोग जानते हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी से लोग, भ्रष्टाचार में लीन लोग अपना उपयोग करके साजिश कर रहे हैं, इसका जवाब जहानाबाद की जनता देगी। गया के शेर ढाटी अनुमंडल कार्यालय में इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना नामांकन किया। वहीं शेर ढाटी विधानसभा से वर्तमान विधायक विनोद कुमार यादव ने भी नामांकन किया। इसके अलावा राजद के टिकट से मंजू अग्रवाल ने नामांकन किया। छपरा की मशहूर डॉक्टर विद्या रानी ने BJP से टिकट ना मिलने से काफ़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे साथ छल किया है। वहीं इस मौके पर उन्होंने BJP के खिलाफ में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। मुद्दा ये है कि देखिए, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमने बहुत सालों प्रयास किया है और बहुत सालों से एक उपलब्धि, एक मतलब ये रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में तो हम लोग आगे हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी हम जनता मेरे साथ है और जनता की सेवा करना चाहते हैं।